इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबर, बदहाल आर्थिक व तनावपूर्ण सामाजिक स्थिति पर चर्चा करने और नागरिकता कानून के खिलाफ हो रहे देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बीच विपक्षी दलों की बैठक में कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने CAA और NRC पर देश को गुमराह किया है। मौजूदा हालात पर चर्चा के लिए 14 विपक्षी दलों की यहां सोमवार को हुई बैठक के बाद सोनिया ने कहा कि सरकार लोगों को दबाने, नफरत फैलाने और विभाजन का काम कर रही है। अभूतपूर्व उथल पुथल के इस माहौल में संविधान को कमजोर किया जा रहा है और शासन का दुरुपयोग हो रहा है। बैठक में राष्ट्रवादी कांग्रेस प्रमुख शरद पवार उपस्थित थे, लेकिन महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार में शामिल शिवसेना का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। द्रमुक आप, तृणमूल कांग्रेस, सपा और बसपा भी बैठक में नहीं आए। यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूले। गूगल प्ले स्टोर से BS क्राइम इंडिया न्यूज की ऐप को डाउनलोड कर रोजाना ताजा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहे।